भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में गबरू जैसी फिल्म बन रही है। जी हाँ, फिल्म बनकर लगभग तैयार हो चुकी है। फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज़ जल्दी कर दिया जाएगा। फिल्म के बारे में आप सभी ने बहुत कुछ सुन रखा है और बहुत सारे दिनेश लाल यादव निरहुआ के और भोजपुरी की अच्छी फिल्मों के जो फैंस हैं वो ये चाह रहे हैं कि इस मूवी का ट्रेलर या इस मूवी से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी उनके पास हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि फिल्म में बहुत कुछ ऐसा है जो भोजपुरी में पहली बार हो रहा है। पहली बार भोजपुरी की कहानी जो आप देखेंगे फिल्मों की, एक जानवर के नज़रिए से देखेंगे। जी हाँ, ये भोजपुरी में पहली बार हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात, VFX का इस्तेमाल भोजपुरी में अभी तक इस कदर, इस लेवल तक नहीं किया गया है जितना इस फिल्म में किया गया है। तीसरी बात जो इस फिल्म को सबसे खास बनाता है वो ये कि ये फिल्म एक सोशल मैसेज के साथ आपको झकझोर कर रख देगी। जी हाँ, अभी तक शायद आपने उस हिसाब से, या यूं कह ले कि जानवरों की नज़र से, इस दुनिया को या उनकी तकलीफ को नहीं देखी होगी और इस फिल्म में आप उस नज़र से इस फिल्म के मर्म को समझेंगे। साथ ही साथ अच्छी फिल्म बनने में समय लगता है, ये सभी जानते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका बेहतर है तो फिल्म चाहे 1 साल बाद आए, 5 साल बाद आए या 10 साल बाद आए, वो क्लिक जरूर करती है। जस्ट लाइक मुगले आजम, दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे जैसे कलाकारों के लिए भी ये फिल्म एक उम्दा फिल्मों में से एक होगी। उनके बेहतरीन करियर ग्राफ पे अगर आपने नज़र डाली होगी तो इतनी बेहतरीन फिल्म आज तक इन दोनों कलाकारों ने भी नहीं की होगी। खैर, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस इस फिल्म के ट्रेलर का इंतज़ार कीजिए। जैसे ही इस फिल्म की ट्रेलर का रिलीजिंग डेट आएगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तब तक गबरू की सारी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।